अब बस्ती धनी होने लगी, ईदगाह जाने वालों की टोकरियाँ नजर आने लगी। एक से भड़कीले वस्त्र पहने हुए, कोई इक्के तांगे पर सवार, कोई मोटर पर, सभी इत्र में बसे, सभी के दिलों में उमंग। ग्रामीण का यह छोटा सा दल अपनी विभिन्नता से बेखबर, संतोष और धैर्य से मगन चल रहा था। बच्चों के लिए नगर और सभी चीज़ें अनोखी थी। जिस चीज़ की ओर ताकते ताकते ही रह जाते और पीछे से बराबर होने की आवाज़ होने पर भी वह चीते हामिद तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा। सहसा ईदगाह नज़र आया, ऊपर इमली के बने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फरस है जिस पर जमीन बिछा हुआ है और रोजेदारों की पंक्तियाँ एक के पीछे एक ना जाने कहाँ तक चली गई है। पक्की जगत के नीचे तक वहाँ जमीन भी नहीं है। नए आने वाले आकार पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं। अगली जगह नहीं है, यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता, इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। इन ग्रामीणों ने सभी वाजू किया है और पिछली पंक्ति में खड़े होकर गए। कितना सुंदर साचलन है, कितनी सुंदर व्यवस्था है। लाखों सिर एक साथ सजते में झुक जाते हैं, फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही प्रक्रिया होती है, जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रतीत हो और एक साथ बुझ जाए, और यही क्रम चलता रहे। कितना अपूर्ण दृश्य लगता है, जिसकी सामूहिक क्रिया विस्तार और आनंदा हृदय को श्रद्धा गर्व और आत्मा आनंद से भर देती है। मानो मित्रत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़की में पिरोए हुए है। नमाज ख़त्म हो गई और लोग वापस आपस में गले मिल रहे हैं, तब मिठाई और खिलौने की दुकानों पर धावा होता है। ग्रामीणों का ये दल इस विषय को बालकों से कम उत्साही नहीं है। ये देखो हिडोला है, एक पैसा देकर चढ़ जाओ, कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी ज़मीन पर गिरते हुए। ये चीख है लकड़ी के हाथी घोड़े ऊंट छेड़ों से लटके हुए हैं। एक पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मज़ा लो। महमूद और मोहसिन के नूरे और सम्मी इन घोड़ों और ऊंटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे तो उसके पास है, अपने कोष का एक तिहाई जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। सब चक्रियों से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिसती और धोबीन और साधु, वहाँ कितने सुंदर खिलौने हैं। अब बोला ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, बाकी वेदी और लाल पगड़ी वाला कंधे पर बंदूक रखे हुए। मालूम होता है अभी कवायद की चल रहा है। मोहसिन को मिस्त्री पसंद आया, कमर झुकी हुई है, ऊपर मशक रखे हुए है, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है, बस मशक से पानी उडेला ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है, कैसी विद्यता है उसके भूख पर मुख पर काला चोगा, नीचे सफ़ेद जाकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जरा सा बहस किए चले आ रहे हैं। ये सब दो दो पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास 3
कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाएगा, ज़रा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाएगा। ऐसे खिलौने लेकर क्या करूँगा, किस काम के? मोहसिन कहता है, मेरा मिस्त्री रोज पानी दे जाएगा सांझ सवेरे। महमूद और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा, कोई चोर आएगा तो फौरन बंदूक फेर कर देगा। नूरे और मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा। सम्मी और मेरी धोवन रोज कपड़े धोएगी। हमीद खिलौने की निंदा करता है, मिट्टी ही के तो है, गिरे तो चकनाचूर हो जाए। लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौने को देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता। उसके हाथ अन्यास ही लिपटते हैं, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब अभी नया शौक है। हमीद ललचाता रह जाता है। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती है, किसी ने रबड़िया ली है, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा, मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से मृतक है, भांगे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। मोहसिन कहता है, हामिद रबड़ी ले जा, कितनी खूबसूरत है। हामिद को संदेह हुआ, ये केवल क्रूर विनोद है, मोहसिन इतना उदार नहीं है। लेकिन यह जानकर भी वह उसके पास जाता है। मोहसिन दोनों से एक रबड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है और हामिद हाथ फैलाता है। मोहसिन रबड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे और सम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। मोहसिन, अच्छा अब की ज़रूर देंगे। हामिद, अल्लाह कसम ले जा। हामिद, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं? सम्मी, 3 ही पैसे तो है, 3 पैसे क्या क्या लोगे? महमूद, हमसे गुलाब जामुन ले जाओ। हामिद, मोहसिन बदमाश है। हामिद, मिठाई कौन बड़ी नेवत है, किताब में इसकी कीमती बुराइयां लिखी है। मोहसिन, लेकिन दिल में कह रहे होंगे कि मिले तो खा ले, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते? महमूद, हम समझते हैं इसकी चालाकी, जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो हमें ललचा ललचा कर खाएगा। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की, कुछ गिलट और कुछ नकली वाहनों की, लड़कों के लिए वहाँ कोई आकर्षण ना था। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है, कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है, तवे से रोटियाँ उतारते हुए तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी के दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी, फिर उनकी उंगलियाँ कभी ना जलेगी। घर में एक काम की चीज़ तो हो जाएगी, खिलौने से क्या फ़ायदा, वक्त में पैसे खराब होते हैं। ज़रा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौने का कोई आँख उठाकर नहीं देखता। या तो घर पहुँचते पहुँचते टूट फूट कर बराबर हो जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज़ है, रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो, कोई आग मांगने आए तो झटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार आए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं। रोज़ हाथ जला लेती है। हामिद के साथी आगे बढ़ गए और सबील पर सब के सब सरमत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची है, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी ना दी। उस पर कहते हैं, मेरे साथ खेलो, मेरे ये काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाए मिठाइयाँ आप मुँह सड़ेगा
सड़ेगा, फोड़े पुसिया निकलेगी है, आप ही जवान चटोरी हो जाएगी, तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। किताब में झूठी बातें थोड़े ही लिखी हैं, मेरी जवान क्यों ख़राब होगी। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़ कर मेरे हाथ से ले लेगी और कहेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देगी, फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएगी, सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौनों पर कौन इन्हें दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं है, तभी तो मोहसिन और महमूद यो मिजाज दिखाते हैं, मैं भी इनसे मिजाज दिखाऊंगा। खेले खिलौने और खाए मिठाइयाँ, मैं नहीं खेलता खिलौने किसी की, मिजाज क्यों सहूँ मैं गरीब सही, किसी से खुद मांगने तो नहीं जाता। आखिर अब्बा जान कभी ना कभी आएंगे, अम्मा भी आएगी, फिर इन लाखों लोग इन लोगों से पूछेगा, कितने खिलौने लोगे, एक एक को टोकरियों खिलौने दो और दिखा दो कि दोस्तों के साथ इस तरह सलूक किया जाता है। यह नहीं कि एक पैसे की रबड़ी ली तो चिड़ा चिड़ा कर खाने लगे, सब के सब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया, हंसे मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा, ये चिमटा कितने का है। दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ ना देखकर कहा, तुम्हारे काम का नहीं है जी, बिकाऊ है कि नहीं, बिकाऊ क्यों नहीं है और यहाँ क्यों लाद लाए हैं, तो बताते क्यों नहीं कि पैसे हैं, छः पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया, ठीक ठीक बताओ, ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो, नहीं चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे। ये कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की गुड़िया ना सुने, लेकिन दुकानदार ने गुड़िया नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने इसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ सखियों के पास आया। जरा सुन सब के क्या क्या आलोचनाएं करते हैं, मौसी ने हंसकर, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इसे क्या करेगा। हामिद ने चिमटे को ज़मीन पर पटक पटक कर कहा, जरा अपना मिस्त्री ज़मीन पर गिरा दो, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाए। बचा की महमूद बोला, तो ये चिमटा कोई खिलौना है। हामिद, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फकीरों का चिमटा हो गया, चाहूँ तो इसे मंजिले का काम ले सकता हो, एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाए, तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए, मेरे चिमटे का बाल भी बाका नहीं कर सकते, मेरा बहादुर शेर है चिमटा। सम्मी ने खजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खजरी से बदलेंगे तो आने की है। हामिद ने खजरी की ओर अपेक्षा से देखा, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारे खजरी का पेट फाड़ डाले, बस एक चमड़े की छिली लगा दी, डब डब बोलने लगी, जरा सा पानी लग जाए तो ख़त्म हो जाएगा मेरा बहादुर चिमटा, आग में पानी में आंधी में तूफान में बराबर अड़ा खड़ा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं, फिर मेले से दूर निकल आए हैं, नो कब
के बज गए हैं, धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है, बाप से जिद भी करे तो चिमटा नहीं मिल सकता। हमीद है बड़ा चालाक, इसलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। अब बालकों ने दो दल हो गए हैं, मोहसिन महमूद सम्मी और नूरे। एक तरफ है हमीद अकेला, दूसरी तरफ शस्त्र हो रहा है। सम्मी तो विदमी हो गया है दूसरे पक्ष से जा मिला, लेकिन मोहसिन महमूद और नूरे भी हमीद से एक एक दो दो साल बड़े होने पर भी हमीद के आघातों से अतिकृत हो उठे हैं। उसके पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति। एक और मिट्टी है, दूसरी और लोहा, जो इस वक्त अपने को फौलाद कह रहा है वह अजय है, घातक है। अगर कोई शेर आ जाए तो मियां मिस्त्री के छक्के छूट जाए, मियां सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागे, वकील साहब की नानी मर जाए, चौके में मुँह छिपाकर ज़मीन पर लेट जाए। अगर यह चिमटा, यह बहादुर, ये उस समय हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। मौसी ने एड़ी चोटी का जो लगा कर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता। हमीद ने चिमटा को सीधा खड़ा करके कहा, मिस्त्री को एक टांग बताएगा तो दौड़ा हुआ पानी लेकर लाकर उसके द्वार पर धकेलने लगेगा। मोहसिन मस्तर हो गया, पर महमूद ने कुबुक पहुंचाई, अगर बच्चा पकड़ जाए तो अदालत के बांधे बांधे फिरेगा, तब तो वकील साहब के पैरों पकड़ेंगे। हमीद इस प्रबल तख्त का जवाब ना दे सका। उसने पूछा, हमने पकड़ने कौन आएगा? नूर ने अकड़ कर कहा, यह सिपाही बंदूक वाला। हमीद के मुंह चिढ़ा कर कहा, ये बेचारे हम बहादुर उस समय हिंद को पकड़ेगा, अच्छा लाओ। अभी जरा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे, पकड़ेंगे क्या बेचारे। मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई, तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। उसने समझा था कि हमीद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह बात ना हुई। हमीद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुर की कुर्ते हैं जनाब, तुम्हारे यह वकील सिपाही और मिस्त्री लोड़ियों की तरह घर में घुस जाएंगे, आग में कूदना वह काम है जो यह रुस्तम हिंद ही कर सकता है। महमूद ने एक जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में ज़मीन पर पड़ा रहेगा। इस तख्त से सम्मी और नूरे को भी सजीव कर दिया, कितने कठिने की बात कही है पट्ठे ने। चिमटा बावर्ची खाने में पड़ा रहने के सिवा और क्या कर सकता है? हमीद को कोई पकड़ता हुआ जवाब ना सूझा तो उसने धंधलाई शुरू की, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा, वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें ज़मीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। बात कुछ बनी नहीं, खासी गाल गलौज थी, लेकिन कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई, ऐसी छा गई कि तीनों सुरमा मुँह ताकते रह गए, मानो कोई थे लज्जा कनकोवा, किस गाड़े वाले कनकोए को काट गया हो।
कानून मुंह से बाहर निकालने वाली चीज है, उसको पेट के अंदर डाल दिया जाना बेतुकी सी बात होने पर भी कुछ नयापन रखती है। हमीद ने मैदान पर मार लिया, उसका चिमटा रुस्तम हिंद है, अब उसने मोहसिन महमूद नूरे सम्मी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। विजेता को हारने वालों से जो सत्कार मिलना स्वाभाविक है वह हमीद को भी मिला। औरों ने तीन तीन चार चार आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज़ ना ले सके। हामिद ने तीन पैसे में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौना क्या है, भरोसा टूट फूट जाए हामिद का चिमटा तो बना ही रहेगा बरसों। संधि की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो हम भी देखें। तुम अपना मिस्त्री लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों के मायने में कोई आपत्ति ना थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद ने हारने वालों के आंसू पोंछे। मैं तुम्हें चढ़ा रहा था, सच ये चिमटा भला किन खिलौने की क्या बराबरी करेगा। मालूम होता है अब भोले या भोले, लेकिन मोहसिन की पट्टी को इस दिलासे से संतोष नहीं होता। चिमटे का सिक्का खूब बैठ गया है। चिम का हुआ निकट अब पानी से नहीं छूट रहा। मोहसिन, लेकिन इन खिलौने के लिए कोई हमें दुआ तो ना देगा। महमूद, दुआ के लिए फिरते हो, उलटते मार ना पड़े। अम्मा जरूर कहेगी कि मेले में यही मिट्टी के खिलौने तुम्हें मिले। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतनी खुश ना होगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होगी। तीन पैसे में तो उसे सब कुछ करना था और इन पैसों के इस उपयोग पर पछतावे की बिल्कुल ज़रूरत ना थी। फिर अब तो चिमटा रुस्तम-ए-हिंद है और सभी खिलौने का बादशाह। रास्ते में महमूद को भूख लगी, उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को साजी बनाया, उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रसाद था। 11 बजे गांव में हलचल मच गई, मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़ कर मिस्त्री बिस्तरी उसके हाथ से छीन लिया और मेरे खुशी के जो उछली तो मियां मिस्त्री नीचे आ रहे और सुरलोक सिधारे। इस पर भाई बहन पर मार पीट हुई, दोनों खूब रोए। उसकी अम्मा यह शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से दो चाटे और लगाए। मियां नूरे के वकील का अंत, उनके प्रतिष्ठानुकूल इसे ज़्यादा गौरव में हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर तो नहीं बैठ सकता, उसकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में दो खुटिया गाड़ी गई, इन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज का कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूर ने उन्हें पंखा झरना शुरू किया। अदालत में फंस की टट्टियाँ और बिजली के पंखे रहते हैं क्या, या मालूमी पंखा ना हो, कानून की गर्मी दिमाग पर चढ़ जाएगी।
नहीं बॉस का पंखा आया और नूरे हवा लगने करने लगे। मालूम नहीं पंखे की हवा से क्या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक में आ रहे और उनका मट्टी का चोला मट्टी में मिल गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियां धूल पर डाल दी गई। अब रहा महमूद का सिपाही, उसे छटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया। लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं जो अपने पैरों चले वह पालकी पर चलेगा। एक टोकरी लाई, उसमें कुछ लाल रंग के कपड़े पुराने चिथड़े बिछाए गए। इसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूर ने टोकरी उठाई और अपने द्वार का चक्कर लगाने लगे। उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरफ से छोने वाले जगाते रहो पुकारते चलते रहे, मगर रात तो अंधेरी होनी चाहिए। महमूद को ढोकर लग जाती है, टोकरी उसके हाथ से छूट गिर पड़ती है और मियां सिपाही अपनी बंदूक लिए ज़मीन पर आ जाते हैं और उनकी एक टांग में विकार आ जाता है। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर है, उसको ऐसा मरहम मिल गया है जिससे वह टूटी टांग को अजान फन जोड़ सकता है। केवल गुलूर का दूध चाहिए, गुलूर का दूध आता है, टांग जोड़ दी जाती है। लेकिन सिपाही को जो ही खड़ा किया जाता है टांग जवाब दे देती है, सैक्रिया असफल हुई। तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है, एक टांग से तो ना चल सकता था ना बैठ सकता था। अब वह सिपाही सन्यासी हो गया, अपनी जगह पर बैठा बैठा पहरा देता है, कभी कभी देवता भी बन जाता है। उसके सिर का छलरदार साफा खुरच दिया गया है, अब उसका जितना रूपांतर चाहो कर सकते हो। कभी कभी तो उसके बट का काम भी लिया जाता है। अब मियां हादिम का हल सुनिए। हमीना उसी आवाज़ सुनती ही दौड़ती और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहनसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। ये चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। के पैसे में? 3 पैसे दिए। हमीना ने छाती पीट ली। ये कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ खाया ना पिया, लाया क्या चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ ना मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया, हमीद ने अपराधी भाव से कहा। तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने उसे लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। उसने भी वह नहीं जो परब होता और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। ये मूर्ख स्नेह था, खूब ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा, कितना जबस्त इससे हुआ कैसे। वहाँ भी इसने अपनी बुढ़िया दादी की याद बनाई रखी। हमीना का मन गदगद हो उठा और अब एक बड़ी विचित्र बात हुई, हमीद के इस चिमटे से भी विचित्र। बच्चे हमीद ने बूढ़े हमीद का पाठ खेला था। बूढ़ा हमीना बालिका हमीना बन गई। वह रोने लगी। दमन
फैला कर हामिद को दुआएं देती जाती थी। वो आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद उसका स्नेह क्या समझता। दोस्तों ये प्रेमचंद लिखित गद्य था ये, और ये समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।